नमस्कार, आप देख रहे हैं मां खबर और मैं हूं कृतिका भटनागर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार कोई वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे आगे आने वाली सभी वीडियोस को आप सबसे पहले देख सकें। बॉलीवुड फिल्मों के मशहूर निर्माता मुकेश भट्ट आज अपना 69वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस खास दिन पर हम आपके लिए लेकर आए हैं उनका और अंडरवर्ल्ड से जुड़ा एक बेहद खास किस्सा। मुंबई को शुरुआत से ही हादसों का शहर कहा गया है, जहां इस शहर में शुरुआत से ही बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड बसता है। इन दोनों का रिश्ता कोई नया नहीं है, ये बहुत पुराना है। जिस तरह बॉलीवुड में कई बेहतरीन सितारे हैं, वहीं से अंडरवर्ल्ड में कई दमदार डॉन भी हुए हैं जिन्होंने कई काले कारनामों को अंजाम भी दिया है। अंडरवर्ल्ड में कई कुख्यात अपराधी रहे हैं, ऐसे में एक कुख्यात गैंगस्टर बहीन में भी रहता है। इसके साथ मुकेश भट्ट का बेहद गहरा रिश्ता है। ये शख्स बहरीन से अपने काम को दुनिया भर में ऑपरेट करता है। ये गैंगस्टर दाऊद से भी बड़ा डॉन है, क्योंकि कहा जाता है कि 2010 में इस गैंगस्टर ने दाऊद की पूरी गैंग को ख़त्म करने की धमकी दी थी। इतना ही नहीं, उसने दाऊद की हत्या करने की भी बात कही थी। जनसत्ता की खबर के अनुसार साल 2010 में हेडलाइंस टुडे ने एक ऑडियो टेप को रिलीज़ किया था। उनका कहना था कि इस टेप में अली बुदेश की आवाज़ है जो दाऊद इब्राहिम को धमकी दे रहा है। इस ऑडियो में दाऊद को लेकर कई बातें सामने आई थी। अली बुदेश का भारत से भी बहुत ही तगड़ा कनेक्शन रह चुका है। इतना ही नहीं, वो शुरुआत में भारत में भी था जो बाद में अरब चला गया। भारत में वो दाऊद के साथ ही काम करता था, लेकिन कुछ मन मुटाव के चलते उसने भारत छोड़कर बाहर जाने का फैसला किया। लेकिन दाऊद की गैंग से अलग होने के बाद उसने माया नगरी के कई बड़े सितारों और निर्देशकों पर शिकंजा कसने का काम किया था। उसने सबसे पहले मुकेश भट्ट से रंगदारी मांगी थी, जिसके बाद उसका नाम मार्केट में सबके सामने आया था। जिसके बाद अली बुदेश ने राकेश रोशन, बोनी कपूर समेत कई लोगों से पैसे मांगने का भी काम शुरू कर दिया। कहा जाता है कि उस दौरान धमकियाँ इस कदर मिलती थी कि सितारे अपने घर से बाहर निकलने में भी डरने लगे थे। वहीं अभिनेता राकेश रोशन पर जो हमला हुआ था, उसका मास्टरमाइंड भी अली बुदेश ही था। उसने दाऊद की गैंग को मुंबई से ख़त्म करना था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए बहुत जाल बिछाए थे, लेकिन वो बहरहीन भाग निकला। आज वो वहीं से अपने सारे काम चलाता है। तो यह थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बने रहिए मां खबर के साथ।